आखिर बारिश और आंधी में भीगते हुए राहुल गांधी का वो भाषण की तस्वीर इतनी वायरल क्यों हो रही है और इतनी चर्चा में क्यों है? सोशल मीडिया कल भरा पड़ा था राहुल गांधी की उस तस्वीर के साथ और उस स्पीच के साथ। कई लोगों ने उसमें कंपैरिजन भी किया, बहुत कुछ कहा, क्या क्या बोला गया वो मैं सब आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से हर रोज जिस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी के सामने आ रही हैं, वो बहुत तरह से विपक्ष के अंदर जान फूंकने के लिए काफी है, उनके काडर के अंदर एक जोश और जुनून भरने के लिए काफी हद तक काम करने वाली है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। जो तस्वीर कल सामने आई मैसूरु में, बारिश हो गई लेकिन बारिश के दौरान भी राहुल गांधी खड़े रहे, अपना भाषण देते रहे, वहां से हिले नहीं, ना ही कोई छतरी उन्होंने इस्तेमाल की। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की वो तस्वीर, उसमें और ज्यादा बड़ी बात क्या थी? उसमें और ज्यादा बड़ी बात ये थी, वो भीग तो रहे हैं, भीगते हुए भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर जनता ही नहीं होगी, वो वहीं पर खड़ी नहीं रहेगी, तो भाषण आप किसके लिए देंगे? तो आपको तस्वीरों में ये दिखाई दिया, क्योंकि तस्वीर स्टेज के जरिए वहां बैकग्राउंड से दिखाई दे रही थी, तो ऑडियंस दिखाई दे रहे थे, और वहां पर यह दिखाई देता है कि जितनी भीड़ थी वो वहां पर भी वैसी की वैसी बनी रहती है। अच्छी खासी हजारों की भीड़ थी जो वहां से हिली नहीं राहुल गांधी को सुनने के लिए, इतनी तेज बारिश में वो लोग भी खड़े रहे। तो अगर राहुल गांधी नहीं हटे तो वो लोग भी वहां से नहीं हटे। इसलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे और इसके एक और एंगल से मैं आपको वीडियो देती हूँ। ये पवन खेड़ा जो स्टेज के पीछे की तरफ थे, वो जब स्टेज से उतरने लगे क्योंकि बारिश तेज हो गई थी, उन्होंने पहले लिखा भी, उन्होंने कि पहले मैंने कोशिश की कि मैं कवर ले सकूं, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी, आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं, वो कैमरा जब मूव होता है राहुल गांधी नहीं हटे, बारिश हो गई कोई फर्क नहीं पड़ा उनके। तो इसी में सोशल मीडिया पर इलू सिंह नाम से एक ट्विटर हैंडल लिखते हैं, ये वीडियो हमारे गांव के व्हाट्सएप तक में आ गया और दोस्तों के स्टेटस में लगा है, ये वायरल हो चुकी है क्लिप। सागरिका किस्सू लिखती हैं, द न्यू इनक्रेडिबल इमेज ऑफ राहुल गांधी इज व्हाट भारत जोड़ो यात्रा हैज डन। इसने राहुल गांधी को एक नई लाइट में दिखाया है, जिसमें कि एक पहले एक नैरेटिव आपके सामने रखा जाता था कि एसी रूम्स में बैठे रहते थे, इस तरह के आपके सामने अफवाहें फैलाई जाती थी। राहुल गांधी सड़क पर हैं और सड़क पर होते हुए जब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो वो उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए, विपक्ष को और ज्यादा मजबूती के तौर पर खड़ा करने के लिए, लोकतंत्र में विपक्ष खत्म ना हो सके उसके लिए आगे बढ़ते हुए आपको वो तस्वीरें सामने दिखाई देती हैं। राहुल गांधी हैज शोन दैट ही इज अ मैन फुल ऑफ एम्पथी। कई सारी तस्वीरें और उनके सामने आई जिसमें ये सामने साबित होता हुआ दिखाई देता है कि राहुल गांधी जो है इज अ मैन फुल ऑफ एम्पथी, मतलब आपके मन में आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप किस दौर से गुजरे हैं, आपके साथ क्या इमोशंस जुड़े हैं, उन सब के लिए जिसके मन में एक सांत्वना होती है, उस तरह की एक इमेज राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरों के साथ आई है। सेक्युलर एंड विलिंग टू बेटर द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष तो वो है ही, और उसके साथ ही उनकी इच्छा भी है कि वो देश के लोगों की जिंदगी, उनका जीवन जो है वो बेहतर कर सके, इस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। ये सागरिका किस्सू लिखती हैं। इसके अलावा
अभिषेक बक्सी लिखते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या लोग जिनको ब्रेन वॉश किया जा चुका है प्रोपेगेंडा से और नफरत की आग से, क्या वो लोग इस पूरे जो वो देख रहे हैं राहुल गांधी, वो क्या चाहते हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा क्या करना चाहती, क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग तैयार हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। स्वाति चतुर्वेदी जर्नलिस्ट लिखती हैं, रिकॉल अ सिमिलर शरद पवार मोमेंट बट सर्टनली अ चार्ज्ड राहुल गांधी एंड अ रिसेप्टिव ऑडियंस। ये शरद पवार से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, 2019 में सतारा में शरद पवार ने भी इसी तरह से तेज बारिश हुई थी और अपना भाषण दिया था, वो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था, काफी जगह उसकी कवरेज हुई थी और वो भी वहां से नहीं हटे थे। आपको पता ही है शरद पवार की उम्र भी है, प्लस वो कैंसर सर्वाइवर रह चुके हैं, बोलने में उनको दिक्कत आती है, लेकिन उस बारिश में उन पर भी, और उन्होंने कहा भी कि ये तो भगवान हम पर मेहरबान है और भगवान हम पर आगे भी मेहरबान रहेंगे, और वो एक स्पीच कितना बड़ा टॉकिंग पॉइंट ही नहीं थी बल्कि उनके लिए उनका एनसीपी काडर में जान फूंकने के लिए और प्लस साथ ही जनता के अंदर भी उनके लिए एक विश्वास पैदा करने के लिए बहुत बड़ी इमेज के तौर पर वो सामने आई थी। हालांकि ये कहना भी गलत होगा क्योंकि शरद पवार का वो इमेज और वो पूरा भाषण बहुत टॉकिंग पॉइंट था, इसलिए आपको याद दिला सकता है, हमें भी वो याद दिला रहा है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि राहुल गांधी ने उनको कॉपी कर दिया। क्यों? क्योंकि 2015 की भी उनकी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। अलग बात है कि मीडिया राहुल गांधी को टॉकिंग पॉइंट बनाना ही नहीं चाहता है, ऐसी तस्वीरें अभी अगर नरेंद्र मोदी की आई होती तो बहुत जल्दी आपको दिखाई दे जाती, और 2015 में क्या हो रहा था वो भी आप जानते हैं, जब ऐसे ही बारिश होना शुरू हो गई थी तब भी उन्होंने छतरी अपने पर लगाने से मना कर दिया था, ऐसे भीगते हुए उन्होंने बात की थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया यानी आप समझ चुके हैं कि किन चीजों को जो मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता उन चीजों को देख सके, ये चॉइस आपको सोशल मीडिया ने सामने रखकर दी है, और इस ताकत को ऐसा लगता है कि अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और उसके कुछ दिनों पहले से भी, कांग्रेस को समझ में आ गई है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आलोचना यह होती थी कि आप सड़क पर नहीं उतर रहे, आप सिर्फ ट्विटर पर लगे हुए हैं, आप सिर्फ ट्वीट करके अपनी एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष का धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आरोप गलत नहीं थे, लेकिन अब जब वो सड़क पर है तो क्या कहेंगे। सड़क पर आना हमेशा, आप देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल को ये समझना चाहिए, सड़क पर आना हमेशा हमेशा जनता के साथ कनेक्ट करता है, और जब आप सड़क पर आते हैं आपके कैसी जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो आप करते हैं, जो आपकी मेहनत दिखती है, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो बिल्कुल अनपैरेलल्ड होता है। वैसा आप घर बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए, एसी स्टूडियोज में, जब हम बोलते हैं एंकर्स जो कि पत्रकारिता नहीं करते हैं, सिर्फ एंकर स्टूडियो में बैठ के सिर्फ डिबेट करते हैं, एसी स्टूडियो में बैठ कर करना बहुत आसान उनके लिए होता है, बीच बीच में जनता के बीच जाते रहना बेहद जरूरी है। इससे बाकी विपक्षी दलों को भी सीखना चाहिए, बाकी कई सारे विपक्षी दल हैं जिनके अंदर कई सारे जो है युवा नेता हैं, आपके पास ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आप युवा हैं, आपके पास ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप इतनी इतनी दूर पदयात्राएं कर सकते हैं, लोगों से जा के मिल सकते हैं, तो क्या चीज है वो जो आपको रोकती है? ये बाकी और राजनीतिक दलों के और विपक्षी दलों के खास तौर पर नेताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें और ये पर्टिकुलर तस्वीर राहुल गांधी की बहुत दूर तक जाएगी, चर्चा का विषय बनती रहेगी, इससे आप सीख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पर नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान करने वाली है। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक जैसी तस्वीरें आपने रोज देखी हैं, कितने सारे प्रोपेगेंडास जरूर हुए उसके खिलाफ, लेकिन ज्यादातर फेक ही निकले, और वो जब फेक निकले उसको आप लोगों ने सबने मिलकर, आप सोशल मीडिया, आप सब लोगों ने मिलकर उसे खत्म करने की कोशिश की, और सच्चाई लोगों के पास उसी वक्त तक सामने रही। ये ताकत होती है सोशल मीडिया की, और अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रहा उसको मेनस्ट्रीम मानना बंद कर दीजिए, आप मेनस्ट्रीम बनिए, आप सोशल मीडिया, आप मेनस्ट्रीम बनिए। राहुल गांधी की ये तस्वीर, इस तस्वीर पर गोदी मीडिया को मजबूर कर दीजिए बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की एम्बुलेंस वाली तस्वीर सामने आती है तो सब लोग मिलकर बात करते हैं, खूब चर्चाएं करते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर उनके ऊपर मत जाइए कि उन्होंने नहीं दिखाया, आप इतना दिखा दीजिए, आप इतना हर सही चीज पर बात करना शुरू कर दीजिए कि मीडिया अपने आप मजबूर हो जाए उसको दिखाने को, क्योंकि उसके बाद फेस सेविंग भी उनको करनी बेहद जरूरी है। तो ये तस्वीर
जो मुझे लगता है कि जो लगातार हम लोग भी बोलते थे, राहुल गांधी को शायद 3 साल पहले से दिखानी शुरू कर देनी चाहिए थी। राहुल गांधी को इसी तरह से जमीन पर उतरना, इसी तरह से रोड्स पर जाना, ऐसी पदयात्राएं करना, लोगों से मिलना, भारत जोड़ो यात्रा करना, लोगों से मिलजुल कर उनसे बात करना, बैठना, उनको समझना, उनके साथ खाना सोना, ये सब उनको शायद 3 साल पहले और कर देना चाहिए था। लेकिन अभी भी उन्होंने शुरू किया है, तो ये आगे कंटिन्यू रहे, ये आगे हमेशा कंटिन्यू रहे। आप नेता हैं, इवन अगर आप जीतते हैं तो भी कंटिन्यू रहे, नहीं जीतते हैं तो भी आपका ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि आप नेता हैं। राजनीति घर में बैठकर, एसी में बैठकर नहीं की जा सकती, और जो लोग ये कर रहे हैं अपने एरोगेंस में आके, कभी ना कभी उनको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए ये आपकी ताकत है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। बाकी राजनीतिक दलों से, खासतौर पर विपक्षी दलों से भी मैं ये बात कहना चाहूंगी, आप सब लोगों को इसी तरह से सड़क पर उतरना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ तब नहीं जब आपका इलेक्शन आ रहा हो, 2 महीने पहले से आप लोग सब सड़क पर आ गए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जब इलेक्शन नहीं भी है तो भी आप जनता के बीच ही रहिए,